मेरा नाम है हल हार्दिक एंड आप देख रहे हो हल हार्दिक वाईटी। तो गाइज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को लेके आया हूँ गाइज टॉप 10 मीट बस्टर्स। ओके तो गाइज आपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया है, इसकी वजह से मैं सेकंड पार्ट लेके आ चुका हूँ। एंड अगर आपको चाहिए कि आप भी हमारे मीट बस्टर्ड के सीरीज में पार्टिसिपेट ले लो तो गाइज सिंपली आपको कॉमेंट कर देना आपकी मीट। ओके मैं जिन लोगों ने पिछले वीडियो में की थी उनकी मैंने ले ली। सो गाइज चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगेन। सबसे पहली मीत आ चुकी है यासिर गेमर से। तो माइनक्राफ्ट क्रीपर बिजली गिरने से चार्ज क्रीपर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सो लेट्स गो गाइस, चलो देख लेते हैं कैसे होता है ये। थंडर का चल रहा है एंड अभी हम लोग इसको स्पॉन करके इसके ऊपर चार्लिंग वाला ये डाल देते हैं टायरेंट, और इसके ऊपर लाइटनिंग गिर के ये चार्ज क्रीपर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका है। हेंस गाइस मिथ इज कंफर्म। मिथ किया है सूर्या पर्सन ने गाइस, इनका मिथ है गोल्डन के टूल्स अच्छे एन्चेंटमेंट देते हैं। तो चलो गाइस इसको हम लोग ट्राई करते हैं। तो गाइस अभी मैंने सारे इनके टूल्स ले लिए। तो वुडन के स्वॉर्ड ने हमको दिया है लूटिंग एंड फायर एक्सपर्ट, स्टोन की इसने दी है गाइस हमको लूटिंग और ब्रेन ऑफ अर्थपूर्णा, आयरन के इसने दिए स्माइट फाइव एंड गोल्ड के इसने दिए गाइज हमको शार्पनेस फोर जो बहुत अच्छी है गाइज, डायमंड के इसने दिए गाइज हमको लूटिंग थ्री एंड अनब्रेकिंग थ्री, और हमको इसने नेदरराइट के इसने दिए स्माइट फोर एंड फायर एक्सपेक्ट एंड लूटिंग थ्री। सो ये मैं कन्फर्म ही है मेरे लिए क्योंकि शार्पनेस सिर्फ गोल्ड से गोल्ड की इसने ही दी है। नेक्स्ट मिथ है हमारी शुभम सुतार से। ओके मैग्मा ब्लॉक आर डेंजर। तो चलो गाइज इसको भी हम लोग जाके ट्राई करते हैं। चार है मैग्मा ब्लॉक के ऊपर, तो हम लोग को आप देख सकते हो हार्ट आर्ट हेल्थ हमारी जा चुकी है, इसका मतलब है कि यार ये मिथ कंफर्म है। नेक्स्ट मिथ फ्रॉम भूपेंद्र गोई थे गाइज, इनका है कि अगर हम लोग नेदर के गोल्ड को सिल्टच से तोड़ के फर्नेस में डालते हैं तो वो डायरेक्टली हमको गोल्ड देगा। ओके तो चलो गाइज हम लोग इसको भी ट्राई करते हैं। यहाँ पर गाइज मैंने एक आयरन की और एक आयरन की सिल्क टच वाली पिकेक्स ले ली है। तो आयरन की पिकेक्स से तोड़ने से गाइज मेरे को दो गोल्ड के इंगेट मिल चुके हैं, तो सिल्क टच से तोड़ने से गाइज एक ब्लॉक मिला है। ओके एंड इस ब्लॉक को हम लोग डालते हैं फर्नेस के अंदर देखो। ओके तो हम लोग ने डाल दिया एंड चलो देखते हैं गाइज की ये मीट कन्फर्म होती है या फिर ब्रस्टेड होती है। गाइज यहाँ पर हमारा वो ब्लॉक हो चुका है एंड यहाँ पर हमको गोल्ड इंगेट मिल चुका है, दिस मिथ इज कन्फर्म गाइज। गाइज हमारी नेक्स्ट मिथ फिर से दे दी है भूपेंद्र गोहिती ने। तो गाइज इनका मानना है कि आप हम लोग शील्ड को वुड से रिपेयर कर सकते हैं। तो गाइज अभी हम लोग ट्राई करते हैं। यहाँ पर मैंने शील्ड रखी एंड यहाँ पर मैंने वुड रख दिया। सो गाइज हमारी शील्ड रिपेयर हो चुकी है, हेंस दिस मिथ इज कन्फर्म। नेक्स्ट मिथ हमको भेजी है गेमिंग विथ हल्क ने। तो इनका मानना है गाइज क्राफ्टिंग टेबल में शो होने वाला कंपास सही डायरेक्शन दिखाता है। चलो जल्दी से हम लोग कंपास की तरफ बढ़ते हैं। ओके तो गाइज यहाँ पर कंपास हमको इस तरीके से डायरेक्शन दिखा रहा है, तो हम लोग अभी इसको घूम के भी देख लेंगे। ओके तो जल्दी से हम लोग घूम लेते हैं, घूम कर देख लेते हैं कि गाइज क्या सही डायरेक्शन दिखा रहा है अभी भी। तो गाइज यहाँ पर ये सही डायरेक्शन दिखा रहा है, हेंस दिस मिथ इज कन्फर्म गाइज। गाइज कि हम लोग स्मोकर में आयरन स्मेल्ट नहीं कर सकते, तो चलो गाइज इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आयरन डाल दिया, कोल डाल दिया, नहीं गाइज ये नहीं होता, हेंस दिस मिथ इज कन्फर्म। तो गाइज नेक्स्ट मिथ है कि आर्मर स्टैंड पे हम लोग इनविजिबिलिटी का पोशन यूज कर सकते हैं, तो चलो गाइज इसको हम लोग जाके ट्राई करते हैं। गाइज तो यहाँ पर गाइज हम लोग लगाते हैं आर्मर स्टैंड एंड इसमें देते हैं हम लोग इनविजिबिलिटी का पोशन, और अभी हम लोग इसके ऊपर फेंक देते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो ये इनविजिबल हो चुका है एंड वो बॉटल आप देख सकते हो इनविजिबल स्पेल की यहाँ पर आपको शो हो रही है, हेंस दिस मिथ इज कन्फर्म गाइज। नेक्स्ट मिथ है मेक डायमंड स्वॉर्ड बाय अ डर्ट। तो चलो गाइज इसको भी हम लोग ट्राई करते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैंने डर्ट एंड स्टिक्स ले ली है, तो हम लोग पहले स्टिक्स से देखते हैं गाइज, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गई गाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज डर्ट से कोई नहीं बनता गाइज, उसके लिए हमको स्पेसिफिक डायमंड ही लगाना पड़ेगा। सो गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं डायमंड ले लेता हूँ सबसे पहले, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ मुझको नहीं पता। ओके तो गाइज यहाँ पर मैंने डायमंड ले लिए। ओके
एंड गाइज इनसे मैं आपको तलवार बना के दिखा देता हूँ। तो इसी तरीके से गाइज डायमंड की स्वाड बनती है। हेंस दिस मिथ इज बस्टेड गाइज। नेक्स्ट मीट है गाइज, हम लोग फर्स्ट वॉकर वाले बूट से मैग्मा ब्लॉक का डैमेज नहीं आता, तो चलो गाइज इसको भी हम लोग जाके अभी ट्राई करते हैं। तो गाइज मेरे पास अभी है डायमंड के बूट्स एंड एक बिना एंचेंटमेंट के। तो यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो मेरे हार्ट्स 4 है। तो अभी हम लोग लगाएंगे फर्स्ट वॉकर वाले। ओके, तो ये मैंने लगा दिए, तो अभी हम लोग जाके देखते हैं। ओके, तो चलो गाइज जाते हैं अभी। ओके, सो इसे हम लोग के हार्ट्स पहले फुल कर लेते हैं एंड उसके बाद जाते हैं, क्योंकि हार्ट्स फुल होना गाइज अच्छा होता है, अच्छा नहीं होता, मतलब आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो गाइज चलो अभी। ओके हो जा भाई। ओके हो गया। तो गाइज अभी हम लोग जाके देखते हैं। तो हेंस दिस मिथ इज कन्फर्म गाइज। अगर आपके पास और भी मिथ्स है तो गाइज आप कमेंट कर दो, हमें नेक्स्ट वीडियो में 100% ले लूँगा। सो तभी तक के लिए बाय बाय। Never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's